मैं सागर नीलकंठप्पा रावले, मेरा गांव वाशिम, जिला वाशिम, स्टेट महाराष्ट्र। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं पिछले 2-2.5 साल से वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहा हूँ, और जो खाद का अपना जो गोबर खाद होता है उस पर भी मैं यूज कर रहा हूँ। और ये देखिए, इस बार जो अभी मैंने 1 महीना पहले इस पर वेस्ट डिकम्पोजर डाला हूँ, तो ये आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जैसा ये जैविक कार्बन इसे हम कहेंगे, ये देखिए ये कैसा इसमें कालापन आ रहा है। और ये लगभग पूरे ही ढेर में ऐसा बहुत सी जगह ऐसा कालापन आ रहा है, ये देखिए। और ये जैसा एक अलग से एक पपड़ी उसकी तैयार होगी, ये देखिए। और ये कितना सॉफ्ट है, ये देखिए, ये चारकोल जैसा कहेंगे हम इसे, ये देखिए एकदम काला और ये हो गया है। और ये और देखिए, काफी जगह ये ऐसा तैयार हो रहा है। और ये देखिए, खाद भी इतनी सॉफ्ट और ये नरम भी हो गई है, ये देखिए। ये देखिए एकदम भुरभुरी और पूरी तरह वो जो डिकम्पोस्ट हो रहा है, और एकदम से सॉफ्ट और बहुत जल्दी, जैसा इतने आसानी से या इतने जल्दी ये नहीं होता है, लेकिन मेरे इसमें जैसा वेस्ट डिकम्पोजर के यूज के बाद में मुझे काफी उसमें ये दिख रहा है, ये देखिए। और ये वापस ये देखिए, ये जैसा ये कालापन आ रहा है इसमें, ये देखिए काफी हद तक के कालापन आ रहा है इसमें। काफी जगह है जहां कुछ ऐसा दिखने मिल जाता है, ये देखिए ये इसमें भी कालापन आ गया, देखिए सॉफ्टनेस इसमें काफी नरम हो गया है, ये देखिए। यहां पर भी देखिए आप, शायद दिख रहा है या नहीं, ये देखिए काला, ये देखिए सही काला हो रहा है। देखिए ये काफी जगह ऐसा हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये कालापन। और मैं आपको जैसा ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो खाद का होता है, जो मेरा इस टाइप में होता है, मेरे इसमें जो वेस्ट ज्यादा होता है, गोबर कम होता है, ये इस टाइप का मेरा होता है। और उसको जैसा अब ढेर में लगा के उस पर जो वेस्ट डिकम्पोजर डाला हो, वेस्ट ज्यादा होता है, गोबर कम होता है, ये इस टाइप का मेरा होता है। और उसको जैसा अब ढेर में लगा के उस पर जो वेस्ट डिकम्पोजर डाला हो, तो उसके बाद में ये ऐसा बन गया है, देखिए कितना सॉफ्टनेस। ये पूरा गोबर नहीं होता है मेरा, ये देखिए पूरा डिकम्पोस्ट हो रहा है, कुछ हो गया भी है इधर, जैसा पानी शायद नहीं आया है, ये पूरा डिकम्पोस्ट हो गया है, ये देखिए, ये देखिए ये कालापन फिर से, ये देखिए ये पूरा, ये जो कचरा ज्यादातर होता है, लेकिन उसमें पूरा जैसा पूरा डिकम्पोस्ट होने के बाद में ज्यादातर पूरा ये ऐसा हो गया है, ये देखिए। ये इसमें की बहुत बड़ी खासियत है, जो पूरा जो कचरा होता है, खैर ये तो ढेर में सड़ ही जाता है, लेकिन 1 महीने में इसकी ये कंडीशन ऐसा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, और मेन डॉक्टर चंद्रा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम किसानों के लिए एक भगवान के रूप में आए हो, और हमें खेती करना एक आसान सा हो गया, और वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में खेती करने में बहुत मजा आ रहा है, खेती में अच्छे अच्छे क्रॉप्स आ रहे हैं, खर्चा कम हो गया है, जमीन एकदम भुरभुरी हो गई है दिन ब दिन जैसा खेती करने में, और एक इंटरेस्ट आ रहा है, और एक नई चीज जैसा, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि और जो नया वेस्ट डिकम्पोजर आ रहा है वो तो और भी पावरफुल है, तो और उसके बाद में और भी मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रा साहब, बहुत धन्यवाद।